नमस्कार दोस्तों, एक्यूप्रेशर की बेसिक ट्रेनिंग जिन लोगों ने भी अटेंड की है, जिन लोगों ने भी ऑनलाइन बेसिक एक्यूप्रेशर जिसमें हमने करस्पॉन्डेंस सिस्टम को सिखाया था, जिसके अंदर हमने सिखाया था किस तरह आपकी बॉडी और आपका हाथ एक जैसा है, ये दोनों आपके पैर, ये दोनों आपके हाथ और ये आपका सिर, किस तरह से उपचार करते हैं जोड़ों का, किस तरह से उपचार करते हैं स्पाइन का, किस तरह से राजमा लगाकर किडनी को ठीक करते हैं, और किस तरह से क्लस्टर मैग्नेट का यूज करके लंग्स का, हार्ट का, लिवर का, गॉल ब्लैडर का, स्टमक का, स्प्लीन का, इंटेस्टाइन का, यूरिनरी ब्लैडर का इलाज करते हैं। ये सब दोस्तों आप हमारी फ्री बेसिक एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग में सीख चुके हैं। आप सभी लोगों के लिए 1 पॉइंट एक्यूप्रेशर पर बेस्ड हम लोग एक ट्रेनिंग ला रहे हैं दोस्तों। यह जो ट्रेनिंग है यह चाइनीज एक्यूप्रेशर पर बेस्ड है, जिसमें हमारी जो बॉडी के 361 पॉइंट हैं उनको हाथों पर कहां पर लिया गया, कौन सी बीमारी में कौन से पॉइंट पर ट्रीटमेंट दिया जाता है, कौन से पॉइंट को टोन किया जाता है, कौन से पॉइंट को सिलेट किया जाता है, मतलब कौन से बिंदु को किस बीमारी के लिए आपने स्टिमुलेट करके येलो मैग्नेट लगाना है और कौन से पॉइंट को स्टिमुलेट करके वहां व्हाइट मैग्नेट लगाना है, इसकी जानकारी भी आपको इस ट्रेनिंग में दी जाएगी। आप सभी लोगों के पास बेसिक किट अवेलेबल है, जो भी पॉइंट इसमें बताए जाएंगे, सिखाए जाएंगे, उन पॉइंट्स को, ये जो आपके पास ऑलरेडी जिम्मी है, उन बिंदुओं पर प्रेशर देना होगा। प्रेशर देने के बाद आपको येलो व्हाइट मैग्नेट और स्टार मैग्नेट, येलो व्हाइट मैग्नेट भी इस तरह के आपको दिए जा चुके हैं किट में, और इस तरह का जो ब्लैक मैग्नेट है वो भी दिया जा चुका है। एग्जांपल मैं यहां पर एक लेना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, या किसी व्यक्ति को यूरिन में प्रोटीन लीक होना शुरू हो जाता है, या किसी व्यक्ति को जब वो गाड़ी में जाता है तो उसको नौजिया की फीलिंग होती है, ट्रेवल सिकनेस होनी शुरू हो जाती है, वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाती है, तो इन बिंदुओं को जो इससे रिलेटेड है, इन बीमारियों से रिलेटेड है, वो कौन से बिंदु है, हाथ में कहां पर आते हैं, कौन सा मैग्नेट उन पे लगाया जाएगा, यह जानकारी आपको 1 पॉइंट एक्यूप्रेशर सिस्टम में दी जाएगी। इसके अंदर मैंने आपको बताया येलो मैग्नेट, व्हाइट मैग्नेट और स्टार मैग्नेट, इन तीन मैग्नेट में से एक मैग्नेट का उपयोग करना होता है। जो मैंने आपको पहले जिम्मी बताई, जो ऑलरेडी आप सबको किट में मिल चुकी है, इनसे प्रेशर देकर आपको मैग्नेट का उपयोग करना होता है। इस ट्रेनिंग में आपको चार्ट मिलेगा इस तरह का, इसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी जिसमें यह चार्ट होगा। इस चार्ट के अंदर आपको 361 पॉइंट मिलेंगे उनकी लोकेशन के साथ, फ्रंट ऑफ द हैंड में भी और बैक ऑफ द हैंड में भी, राइट हैंड के भी और बैक हैंड के भी, ये बिंदु कहां पर आते हैं, इंडेक्स फिंगर में कहां आते हैं, मिडिल फिंगर में कौन से पॉइंट आते हैं हथेली पर, इसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। किस तरह से इन पॉइंट को लोकेट करना है, ढूंढना है, यह भी इन वीडियोस में आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ में आज मैं, चूंकि एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसके अंदर मैं आपको कुछ बेसिक एग्जांपल्स भी ले रहा हूं। जैसे कोई एक व्यक्ति है, उसका यूरिक एसिड बढ़ा रहता है, तो जब यूरिक एसिड बढ़ा होता है तो चाइनीज एक्यूप्रेशर में स्प्लीन 2 SP2 पॉइंट को सिडेट किया जाता है। तो दोस्तों जब आप इस चार्ट को देखेंगे तो आपको SP2 पॉइंट जो है आपकी मिडिल फिंगर में फ्रंट साइड में मिलेगा। आपको क्या करना है, उस SP2 बिंदु को, ये जो आपके पास जिम्मी है, इसको इस तरह से 1, 2, 3, 4 और 5 पांच बार प्रेशर देना है। प्रेशर देने के बाद, क्योंकि यूरिक एसिड को हमने शरीर से निकालना है, कम करना है, ब्लड में से निकालना है, कम करना है, इसलिए SP2 को सिडेट किया जाता है। यहां मिडिल फिंगर पर SP2 पॉइंट आता है और उसको इस तरह से हम सिडेट कर देते हैं।
तो इस तरह से अलग अलग बीमारियों में कौन से बिंदु का उपयोग होगा, वो बिंदु आपके हाथ में कहां पर आएगा, कौन से पॉइंट को टोन करना है, कौन से पॉइंट को सिलेक्ट करना है और कहां स्टार मैग्नेट लगाना है, बहुत सी प्रॉब्लम के लिए हम इसको सीखेंगे। मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूं। कुछ लोगों को ऐसा अंदर से लगता है जैसे कि उनको पैरालिसिस का अटैक होने वाला है, तो चाइनीज एक्यूप्रेशर में प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के तहत गॉल ब्लैडर 39 पॉइंट का इसमें यूज किया जाता है। वो बिंदु कहां पर आता है? वो बिंदु आता है आपके हाथ की मिडिल फिंगर में, यहां बैक साइड पे। इस बिंदु को जब आप इस चार्ट में ढूंढेंगे तो आपको इस चार्ट में भी मिलेगा कि ये मिडिल फिंगर में बैक साइड में यहां पर गॉल ब्लैडर 39 बिंदु आ रहा है। इस बिंदु को क्या किया जाता है, इस तरह से एक स्टार मैग्नेट लेना होता है जिसमें सिल्वर साइड जो है, तो 5 बार आप जिम्मी से प्रेशर देंगे, 5 बार प्रेशर देने के बाद इसको इस तरह से यहां पे लगा देंगे, लगाएंगे बायलेटरल दोनों हाथों में, तो यह प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट हो जाएगा पैरालिसिस का। इसी तरह से पैरालिसिस हो जाए तो कौन से बिंदु का उपयोग किया जाता है, अगर आवाज चली जाए तो कौन से बिंदु का उपयोग किया जाता है, किसी व्यक्ति को एसिडिटी जलन हो तो कौन से बिंदु का उपयोग किया जाता है, घुटने में अगर दर्द हो जाए तो कौन से बिंदु का उपयोग किया जाता है, उसे टोन किया जाता है कि उसे सिलेट किया जाता है कि उसे स्टार मैग्नेट लगाया जाता है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपके हार्ट के मिट्रल वॉल्व को, कौन सा पॉइंट है जो आपके हार्ट के ऑर्टिक वॉल्व को ट्रीट करता है, ऐसा कौन सा बिंदु है जब हार्ट बीट घट गई हो तो ट्रीटमेंट में यूज करें, और ऐसा कौन सा बिंदु है जब हार्ट बीट बहुत तेज हो या पेल्पिटेशन हो तो उसको आप ट्रीट करेंगे। ये सब कुछ हम 1 पॉइंट ट्रीटमेंट की क्लास में सीखेंगे। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम का उपचार जो सिंगल सिंगल बिंदु से हो सकता है उसको बताया जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं जिन लोगों ने भी एक्यूप्रेशर बेसिक की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है वो डेफिनेटली इस ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे। इस ट्रेनिंग को जनरली हम लोग 7100 में कराते हैं, लेकिन चूंकि ये आप सब लोगों का ग्रुप है और बहुत सारे लोगों से जब बात हुई तो उनकी रिक्वेस्ट पर यह ट्रेनिंग आपको सिर्फ 2100 रुपीस में प्रोवाइड कराई जाएगी। तो यह ऑनलाइन ट्रेनिंग है, जो भी लोग इसे ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, जो लोग इसे आमने सामने इसी ट्रेनिंग को अटेंड करना चाहते हैं तो यह ट्रेनिंग हमारी सबसे पहले होने जा रही है बड़ौदा में, उसके बाद यह ट्रेनिंग हमारी होने जा रही है 30 तारीख को, 30 मार्च को हैदराबाद में, उसके बाद यही ट्रेनिंग हमारी होने जा रही है 6 अप्रैल को मुंबई में, यही ट्रेनिंग 20 अप्रैल को होगी अहमदाबाद में, और 27 अप्रैल को यही ट्रेनिंग रहेगी बेंगलोर में, यही ट्रेनिंग हमारी आगे कैरी फॉरवर्ड पुणे में होगी 11 मई को, कलकत्ता में इसकी डेट्स जो है आप हम लोग से पता कर सकते हैं। तो जितने भी मेजर बिग सिटीज हैं जहां हम लोग की विजिट रहती है उन सभी शहरों में भी यह ट्रेनिंग होने वाली है, तो अपने अपने शहर में भी आप इस ट्रेनिंग को लाइव आमने सामने अटेंड करने के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और जिन शहरों के मैंने नाम लिए हैं अगर आप उन शहरों में नहीं भी रहते तो निराश होने की जरूरत नहीं है, यह ट्रेनिंग ऑनलाइन भी आप सबको प्रोवाइड कराई जाएगी। जो भी लोग इस ट्रेनिंग को अटेंड करना चाहते हैं वो अपना नाम रजिस्टर करवा लें ताकि इस ट्रेनिंग को वो अटेंड कर सके, क्योंकि जिन जिन शहरों में जा रहे हैं वहां अप्रोक्सीमेटली कैपेसिटी हमारे पास सिर्फ 30 लोगों की है और काफी रजिस्ट्रेशन जो इसकी पहली वीडियो है उसके बिहाफ पर आ चुकी है। तो आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं या सामने आकर अटेंड करना चाहते हैं आप लोग अपना नाम रजिस्टर करवाइए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतनी जानकारी के साथ मैं जगमोहन सचिव आप सबसे विदा लेता हूं, और इस ट्रेनिंग में बहुत सारी जानकारी के साथ आप सबसे जल्द मिलेंगे। नमस्कार।